राया क्षेत्र में 20 जनवरी को व्यापारी के साथ हुई लूटकांड के फरार बदमाशों के साथ आज पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें मुठभेड़ के दौरान जहां एक बदमाश अमित को पुलिस की गोली लगी है, वहीं दो उसके साथी फरार होने में कामयाब हो गए, जिसे घायल अवस्था में पुलिस ने मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं एसपी सिटी ने बताया है कि 20 जनवरी को राया के सराफा व्यापारी के साथ जो लूट हुई थी, उसके फरार तीनों आरोपी बीती रात राया रोड पर मथुरा की तरफ जा रहे थे, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उनकी घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जब गोली चलाई तो जहां उसके दो साथी फरार हो गए, वहीं अमित जो एक बदमाश है उसके पैर में गोली लगी है, जिसे पुलिस ने घायल अवस्था में मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं फरार दोनों अन्य बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कई टीमें गठित करते हुए उनकी ये अभी गिरफ्तारी के जो प्रयास तेज कर दिए आपका हैं। राया रोड है, उसमें राया कट के पास में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी है अमित, जो कि थाना बलदेव क्षेत्र का रहने वाला है, उसको पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। उसके लेफ्ट पाँव में गोली लगी है। ये जैसा कि आपको पता है कि 21 जनवरी की शाम को जो राया क्षेत्र के अंदर एक जो सराफा व्यापारी है उसके साथ गोली मारकर लूट की गई थी, उसी के संबंध में पुलिस के अन्य टीमें लगातार कार्यरत थी और हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले थे, जिसके बेस पे हमने जीरो इन किया था कि इसके अंदर कौन लोग शामिल थे। और करीब 7 से 10 टीमें लगातार लगी हुई थी और हमें पता चला था कि इसके अंदर अमित और दीपक और छोटू करके तीन लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। उसी के आधार पर लगातार उनको पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही थी। आज मुख्य के द्वारा सूचना मिली थी कि तीनों लोग राया से मथुरा की तरफ कहीं जा रहे हैं, बीच रास्ते में यहाँ पे पुलिस द्वारा उनको एंगेज किया गया, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, उन्होंने जवाबी कार्रवाई में पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी अपने बचाव में मिनिमम फायर किया, जिसमें उनमें से अमित के लेफ्ट आर्म में गोली लगी। बाकी जो उनके दो अन्य साथी हैं वो मौके से फरार होने में कामयाब रहे हैं, उनके लिए कॉम्बिंग की जा रही है और जो घायल अमित है उसे तुरंत अस्पताल में ले गया। इनके पास सर कुछ बरामदगी की है ये? हाँ, एक मोटरसाइकिल है जो कि द्वारा घटना में प्रयुक्त की गई थी, वो बरामद हुई है मौके से। साथ ही साथ मौके पर एक तवंचा है और कुछ कार्ट्रेज और जिंदा कारतूस भी मौके से।